हाय गाइज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये मेरे हाथ में क्या है और आज मैं इसका क्या यूज करने वाली है? आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये मामूली सी दिखने वाली चीज है ये है फिट करी जी एलम भी कहते हैं तो फ्रेंड्स आज की किस तरीके से फिट करी का सही से यूज करके अपनी स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं ग्लोइंग बना सकते हैं और अपनी स्किन को एक हेल्दी स्किन की तरह रख सकते हैं हेलो एवरी वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम विवा और मैं इस चैनल पर होम डेकोर एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ जो हमारी स्किन एंड हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं सो so फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटोफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और वीडियोज़ के लिए सो so, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, यहाँ इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक क्लीन बाउल में एक चम्मच के करीब लिया है बेसन यानी कि चने का आटा और यहाँ मैं इसमें आधा चम्मच के करीब फिट करी का पाउडर ऐड करूंगी फिट करी का पाउडर मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है और आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शहद यानी कि हनी आप कोई भी हनी यहाँ यूज कर सकते हैं और जो इसमें अब आखिरी चीज़ जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है टमाटो यानी कि टमाटर टमाटर हरा नहीं होना चाहिए कच्चा टमाटर नहीं होना चाहिए यहाँ मैंने पका हुआ टमाटर का जो पल्प है यानी कि जूस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोज़ वाटर रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप नॉर्मल आरों का वाटर भी यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कुकुम्बर जूस भी यूज़ कर सकते हैं सो यहाँ मैंने रोज़ वाटर लिया क्योंकि मेरी स्किन को भी बहुत सूट करता है और मेरे पास अवेलेबल भी है इस टाइम सो एक स्पून की हेल्प से मैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा यहाँ गाढ़ा नहीं हो पा रहा है तो इसलिए so, इस इस अच्छे से क्लींस करता और है हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है फिटकरी करिए हमारे स्किन को ब्राइटन अप करती है हमारे स्किन पर कोई भी एलर्जी या फिर कोई भी क्रैक्स वगैरह उन्हें हील करती है हमारी स्किन पर टाइम से पहले आई हुई रिंकल्स को रिमूव करती है एक अच्छी एंटी एजिंग का काम करती है फिट करी देन उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है शहद जो हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है और टोमेटो हमारे फेस की जितनी भी जो मैल है जो डर्ट है पोल्यूशन उसे रिमूव करता है फेस को बहुत अच्छे से क्लींस करने के साथ साथ हमारे फेस पर अच्छा ब्लीच का भी काम करता है सो so फ्रेंड्स इस रेमेडी को यूज कैसे करना है सही तरीके से ताकि हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो यहाँ अपने फेस को इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से क्लींस कर लेना है मैं एक वेट स्पंज की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले ली हो हालांकि मेरे फेस पर को कोई भी मेकअप नहीं है कोई भी क्रीम नहीं लगी हुई है सो so, इस तरीके से आप एक वेट वाइप से अपना फेस क्लींस कर सकते हैं या फिर अपना फेस वॉश भी किसी भी फेस वॉश से या फिर डी फेस वॉश से आसानी से कर सकते हैं देन उसके बाद जो ये रेमेडी हमारी बनकर रेडी हुई है इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके की है ताकि हम इसे इजली अपने फेस पर अप्लाई कर सकें ये प्रोसेस थोड़ा सा मेसी भी हो सकता है तो आप हो सके तो आप इसे वॉशरूम में जाकर वॉशिंग मशीन के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक ब्रश एंड फिंगर की हेल्प से कैसे भी आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा फेस पर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप एक थिक लेयर में अपने फेस पर इसे अप्लाई करेंगे और पूरे फेस के साथ साथ अप्लाई करने के बाद आप इसे अपनी नेक पर भी लगाएंगे अगर आपके हाथ पर बहुत ज्यादा टैनिंग हुई हुई है आपके अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं बहुत स्मेल आती है तब आप ये वाला पैक बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स फिटकरी जो होती है वो बैड स्मेल को रिमूव करती है हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम होगी है जैसे कि कोई स्कार्स है या फिर कोई क्रैक्स हैं तो उसे हील भी करती है स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट बनाती है पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन को ये रिमूव करती है और आपके चेहरे को काफी ज्यादा ग्लो एंड यूथफुल बनाती है सो फ्रेंड्स ये रेमेडी बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आप इसको मेरे मेथड के बनाएंगे एंड लगाएंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिलेंगे सो so, कुछ इस तरीके से मैंने पूरा जो पैक है उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और दस से पंद्रह या फिर बीस मिनट के लिए मैं इसे अपने फेस पर ऐसे ही रखा छोड़ दूंगी ताकि मेरी स्किन में ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए बहुत अच्छे से काम करे और अब आप देख सकते हैं कि इसे हो गए हैं दस मिनट और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी मैंने यहाँ लिया है टमैटो टमाटो ये वही है जिसका मैंने पल्प यूज़ किया था उसे आप फेंकेगा नहीं आप इस तरीके से इसको अपने मास्क को निकालने में यूज़ कर सकते हैं और अपने इसी टमेटो के पीस के साथ आप अपने फेस की मसाज भी करेंगे सो मसाज करते हुए आप इस तरीके से अपना जो पैक है उसे रिमूव करेंगे तो आपके फेस की हो जाएगी मसाज मसाज करने से क्या होगा फ्रेंड्स हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से रन करने लगता है जिसकी वजह से हमारे फेस का ग्लो जो होता है खोया हुआ वो वापस आने लगता है हमारी डल स्किन से हमें छुटकारा मिलता है और हमारे फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स या फिर अन टोन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इस पैक से हमारी रिमूव होती है काफ़ी हद तक सॉल्व होती है ये प्रॉब्लम हमारी सो so फ्रेंड्स जैसे जैसे आप फेस की मसाज करते जाएंगे आपका मार्क्स रिमूव होता जाएगा और आपका जो फेस का ग्लो है आपकी जो स्किन वाइटनिंग हुई है वो आपको दिखती जाएगी सो so, इस तरीके से मैं इस पीस की हेल्प से अपने पूरे फेस की करूँगी मसाज और मसाज करने के बाद आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं अपनी फिंगर से भी अपने फेस के बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हैं ताकि जो पोर्शन आप पीस के थ्रू नहीं कर पाए हैं जहाँ नहीं पहुँच पाया आपका टमाटो का पीस वहाँ आप अपनी फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से अपने फेस की कर लीजिए मसाज इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होगी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगी तभी हमारी स्किन हमें आफ्टर वॉच रिफ़्रेश फील कराएगी सो so, इस तरीके से मैंने पूरे फेस पर बहुत अच्छे से अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से लाइट से अपने फेस की की है मसाज मसाज करने के साथ साथ मैं अपने नेक की भी मसाज करूंगी क्योंकि नेक पर भी हमारे बहुत झूलियाँ आने लगती हैं थर्टी प्लस होने के बाद से ही धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ स्टार्ट होने लगती है अगर हम इसका शुरू से ध्यान रखेंगे होम रेमेडीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट की क्रीम्स लगाना बिल्कुल ही छोड़ है आप उनको भी लगा सकते हैं लेकिन होम रेमेडीज़ नेचुरल होती हैं हर्बल होती हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और घर की चीज़ों से ही अगर हम अच्छा सा ग्लो पा पालें अपनी स्किन को मेंटेन रख लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सो आप अपने हैंड की हेल्प से अपने फेस की कीजिए मसाज देन उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए सो so, यहाँ वेट वाइप की हेल्प से मैं अपना पूरा जो मास्क है उसे और अच्छे से रिमूव कर दूंगी अगर विंटर्स हैं और आपको ये रेमेडी रात में यूज़ करनी है अप्लाई करनी है तो आप यहाँ गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप अपने पूरे मास्क को रिमूव कर लीजिए सो so, मैं मिलती हूँ आपसे मास्क रिमूव करने की सो so, यहाँ मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है मुझे अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश लग रही है रिलैक्स लग रही है और फेस काफ़ी ज़्यादा जो स्किन है फेस की बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है सो मैं इस रेमेडी को टेन एंड टेन दूंगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आपने इसे यूज किया तो आपको कैसे रिजल्ट so आप पेरिस so की रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल जो है अपने फेस पर अप्लाई करने जा रही हूँ काफी अच्छी जेल है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है ट्वेंटी फोर आवर्स ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है हमारे फेस पर एक शाइन रखती है क्रिस्टल क्लीन स्किन बनाती है हमारी ये जेल आप इस जेल को डे में दो बार यूज कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आपके पास डी करने का टाइम नहीं है और फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल ढूंढ रहे हैं तो आप इस वाली जेल को जरूर ट्राई कर सकते हैं ये हमारे फेस पर शाइन रखती है और ट्वेंटी आवर्स हमारे फेस को ग्लोइंग रखती है मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ इवन इस रेमेडी को करने के बाद मैंने इसे अप्लाई किया है मॉर्निंग में अपना फेस देखा तो मेरा फेस और ज़्यादा ग्लो कर रहा था जैसे कि मॉर्निंग में उठते तो हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है ना नहीं इस जेल को अगर आप यूज़ करेंगे इस रेमेडी को आप अपनाएंगे तो आपको आपके फेस की जो रिजल्ट हैं खुद देखने को मिलेंगे सो so, इस तरीके से थोड़ी सी जेल मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर ली है और आप मेरे फेस का जो ग्लो है आई थिंक वीडियो में विजिबल हो पा रहा होगा सो so, फ्रेंड्स इस तरीके से जो जेल आप अपने फेस पर लगाइए अगर आपको ये पास ये जेल नहीं है या फिर आप ये जेल नहीं लगाना चाहते तो आप एलोवेरा जेल भी यहाँ अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स इस तरीके का ये वाला ग्लो अगर आप कहना चाहते हैं तो ये वाली जो फिटकरी की जो मास्क है ये वाली जो रेमेडी है इसे एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोज बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरा वीडियो पोस्ट करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो देख सके तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय